प्रणवं पवन कुमार खलवन पावक ज्ञान धनु जासु हृदय आगार बसहि राम सर चाप धर। यूं तो राम भक्त हनुमान का समूचा व्यक्तित्व भी अनुपम और अद्वितीय है, मगर आज हम आपको लेकर चल रहे हैं आंजनेय हनुमान के ऐसे अनूठे मंदिर अखिलेश्वर मठ, जिसके बारे में कहा जाता है कि इस तरह का मंदिर पूरे भारत में कहीं और नहीं है। पुण्य श्लोका माँ अहिल्या की नगरी इंदौर से करीब 45 किलोमीटर दूर घने जंगल में स्थित है अखिलेश्वर मठ। इसे ओखलेश्वर मठ भी कहा जाता है। यहीं पर प्रतिष्ठित है रुद्रावतार हनुमान जी की दुर्लभ प्रतिमा। सिद्ध हनुमान की यह प्रतिमा इसलिए भी दुर्लभ और अनूठी है क्योंकि इनके एक हाथ में शिवलिंग है। ऐसी मान्यता है कि राम रावण युद्ध से पहले रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना के लिए हनुमान जी नर्मदा की सहस्त्रधारा धावड़ी घाट से शिवलिंग लेकर लौट रहे थे। उस समय वे कुछ समय के लिए इस स्थान पर रुके थे। ऐसा माना जाता है कि वह शिवलिंग आज भी तमिलनाडु के धनुषकोटी में स्थापित है। खरगोन जिले के बड़वानी के समीप स्थित अखिलेश्वर मठ में एक शिव मंदिर भी है, जिसके बारे में कहा जाता है कि यह द्वापर काल का है। श्री अहम देवम समा देवम पुनः पुनः। जनश्रुति के अनुसार इस क्षेत्र में स्वयंभुव मनु और शतरूपा ने भी तपस्या की थी। साथ ही महर्षि वाल्मीकि, मार्कंडेय ऋषि, चवन ऋषि आदि के आश्रम भी इसी क्षेत्र में रहे हैं। वेद मनीषी और श्री मारुति वेद वेदांग अनुसंधान केंद्र राजस्थान के प्रमुख यज्ञाचार्य पंडित चिरंजीव शास्त्री इस मठ की विशेषताओं के बारे में कहते हैं कि मंदिर की सबसे बड़ी विशेषता तो ये है कि अखिलेश्वर भगवान का जो धाम है, ये द्वापर युग में भगवान श्री कृष्ण के हाथ से शिव जी स्थापित हैं। ये सबसे बड़ी विशेषता है। साथ साथ में हनुमान जी महाराज जो हैं, उस समय जब सेतुबंध रामेश्वरम की स्थापना भगवान राम जी ने करी, उस समय हनुमान जी महाराज शिव जी लेने के लिए आए थे, तो कुछ समय के लिए हनुमान जी ने यहाँ विश्राम किया था। तो ये त्रेता युग के समय के हनुमान जी महाराज यहाँ पर विराजमान हैं, द्वापर के शिव जी विराजमान हैं। तो इससे बड़ी विशेषता और तो शायद मेरे को हिंदुस्तान में कहीं नज़र नहीं आती है। ऐसे हनुमान जी के दर्शन में पूरे हिंदुस्तान का भ्रमण कर चुका, लेकिन ऐसे हनुमान जी के दर्शन पूरे हिंदुस्तान में आज तक कहीं देखने को नहीं मिला है। इस क्षेत्र को पुनः सुर्खियों में लाने का श्रेय जाता है दिवंगत संत ओंकारदास जी महाराज को। मठ में करीब 4 दशकों से अखंड रामायण पाठ भी चल रहा है। यहाँ शिवरात्रि, कार्तिक पूर्णिमा, वैकुंठ चतुर्दशी और हनुमान जयंती पर विशेष उत्सव का आयोजन होता है। चैत्र नवरात्रि के दौरान यहाँ यज्ञ का आयोजन भी होता है। मैं यहाँ 10 साल से आ रहा हूँ और साल में 2 बार आता हूँ। एक तो वैकुंठ चतुर्दशी को यहाँ पर यज्ञ होता है और एक हनुमान जयंती को यज्ञ होता है। बहुत अच्छा यज्ञ होता है। भगवान श्री राम जी को और हनुमान जी महाराज के वाल्मीकि सुंदरकांड के द्वारा आहुतियाँ लगती है। यजमान बनते 5-10 विद्वान लोग बैठते हैं और बहुत अच्छा यज्ञ होता है हनुमान जी के यहाँ। और यज्ञ क्यों होता है? यज्ञ तो एक परमात्मा का रूप है। हमारे 24 अवतार, उसमें यज्ञ का भी अवतार है। यज्ञ होना चाहिए, बहुत जरूरी है, क्योंकि गीता में ऐसा लिखा है कि यज्ञात भवति पर्जन्य, पर्जन्यात अन्न संभव है, और अन्नाद भवन्ति भूतानि यज्ञ कर्म समुद्भव है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में कहा अर्जुन को कि हे अर्जुन, यज्ञ होना नितांत आवश्यक है, प्रतिदिन यज्ञ होना चाहिए, क्योंकि यज्ञ से वातावरण शुद्ध होता है, पर्यावरण शुद्ध होता है। यज्ञ धर्म यात्रा की इस कड़ी में हम आपको बता रहे थे प्राचीन अखिलेश्वर मठ के बारे में। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी हमें जरूर बताइएगा। अगली बार फिर ऐसे ही किसी अनूठे धर्म स्थल पर आपको लेकर चलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।